बड़ी और अहम खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुख्य न्यायाधीश, नेशनल असेंबली भंग करने पर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चीफ जस्टिस अमर अता बदियाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे न्यायाधीश, और इसी के साथ आपको बता दें कि नेशनल असेंबली भंग करने पर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे चीफ जस्टिस, इस वक्त की बड़ी खबर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है जहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुख्य न्यायाधीश और नेशनल असेंबली भंग करने पर जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट चंद्रशेखर त्रिशूल जी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, इस पर और क्या अधिक अपडेट्स आपके पास हैं अब तक? देखिए ये निशा, पाकिस्तान में जिस तरह का एक नाटकीय घटनाक्रम सुबह से शुरू हुआ, उसमें दोपहर में एक नाटकीय मोड़ ये आया कि जब विपक्ष पूरी तरह तैयारी पर था तो उसी समय ये हुआ कि डिप्टी स्पीकर ने ऐलान कर दिया वहाँ संसद में पहुंचकर नेशनल असेंबली में कि जो अविश्वास का प्रस्ताव है उसे खारिज किया जाता है। उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो गया, क्योंकि ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो मैच फिक्सिंग थी वो विपक्ष के सामने आ गई, लेकिन विपक्ष ने अपनी राय ली जो मोटिवेट कर रहे थे। इसी समय सेना ने एकदम पल्ला झाड़ लिया कि हमारा इस सियासी घटनाक्रम में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब एक नया नाटकीय मोड़ आ चुका है कि दोपहर में विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था इस असेंबली को लेकर, जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के गलत तरीके से खारिज किया गया है। अभी खबर यह आ रही है कि जो उमर अता बंदियाल हैं, जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुनवाई कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। अब ऐसे में विपक्ष के पास उम्मीद है, और सबसे बड़ी बात जो सियासी पेच फंसा हुआ है कि आखिर विपक्ष के पीछे कौन है। अगर सेना और आईएसआई है तो निश्चित रूप से सरकार की बर्खास्तगी का खतरा बढ़ गया है, और अगर सेना कहीं इमरान के साथ है तो फिर एक बार विपक्ष पूरी तरह धराशायी हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही देर में निर्णय आएगा कि आखिर इमरान के भाग्य का, इमरान की किस्मत का क्या होगा। इमरान बतौर प्रधानमंत्री सिफारिश भेज चुके हैं राष्ट्रपति को, नेशनल असेंबली भंग हो चुकी है। अब ऐसे में विपक्ष ने दोबारा असेंबली में 195 वोट लेकर अविश्वास प्रस्ताव लिया सरकार के खिलाफ। कार्यवाहक प्रधानमंत्री दूसरी तरफ नियुक्त हो चुके हैं, 90 दिन के लिए चुनाव होने हैं 90 दिन के भीतर। तो अब ऐसे में सियासी पेच ये है कि आखिर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कुछ ही देर में जो है वो सुनवाई शुरू होने वाली है, तो क्या कुछ इसमें अहम रह सकता है? देखिए बहुत सारे इसमें पहलू हैं, अब सुप्रीम कोर्ट किस नजरिए से पूरे केस को देखता है। अगर क्या पता कि राष्ट्रपति की सिफारिश, जो राष्ट्रपति को भेजी है सिफारिश नेशनल असेंबली भंग करने की, क्या पता उस पूरे जो प्रकरण है उसको कहीं खारिज कर दे, या फिर अगर असेंबली को रिजॉल्व करता है तो निश्चित रूप से ये फिर इमरान खान के लिए बड़ा चुनौती का विषय हो जाएगा, क्योंकि फिर संसद बुलानी पड़ेगी, हाउस बुलाना पड़ेगा, और अगर हाउस बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से सरकार अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। लेकिन अब निगाहें सबकी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर टिकी हुई हैं जो सुनवाई के कुछ ही देर बाद आएगा, और ये भी देखने वाले बात होगी कि सुनवाई कितनी देर तक चलती है और क्या क्या पक्ष उसमें रखे जाते हैं और किस किन पहलुओं पर विचार किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर त्रिशूल जी हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि जो नेशनल असेंबली थी वो भंग करने पर आप जो सुनवाई है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, और इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं वो पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर
356 पर। अब एएनबी न्यूज, जियोटी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।